लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिश्रा जी, मिश्रा जी नाश्ते। ओहो, मास्टर रामचरण बाबू, आ जाओ मित्र, बिना संकोच के ऊपर आ जाओ। आओ जानकी, आओ। मिश्रा जी, ये जानकी है, मेरी धर्म पत्नी, मुझे मालूम है। नमस्ते जानकी भाभी, आइए आइए, अंदर आइए। आओ भाई राम, बहुत बहुत बधाई हो। जब तुम इनसे ब्याह रचा रहे थे तब मैं शहर में अपने लिए पत्नी ढूंढ रहा था। अब मुझे क्या पता था कि बगल के गांव में ही जानकी भाभी जैसी अद्भुत सुंदरी मौजूद है, वरना तुम्हारा नंबर नहीं लगता मित्र। भाई मिश्रा, बात यह है कि मेरी अपने बड़े भैया से जरा कहा सुनी हो गई और उसने तुम्हें जानकी भाभी के साथ घर के बाहर से भगा दिया। मुझे मालूम था कालीचरण दुष्ट है, लालची है। अगर मैं उसकी जगह होता तो सर आंखों पर बिठाता जानकी भाभी को। यार मिश्रा, अगर तुम्हें तकलीफ न हो तो हम लोग कुछ दिन तुम्हारे मेहमान बनकर रह लें। अरे तुम सारी जिंदगी यहां रह सकते हो मास्टर, तुम्हारा ही घर है। हा? और भाभी तुम गुमसुम क्यों खड़ी हो? भाई तुम्हारा देवर हूं, थोड़ा ज्यादा बोल लेता हूं बस। तो सुनो, आज से इस घर को तुम्हें चलाना है, तो पहले रसोई में जाओ और मेरे लिए और अपने पतिदेव के लिए कुछ नाश्ते पानी का इंतजाम करो। हाँ जानकी, बड़ी भूख लगी है, तुम कुछ बना ही दो। यार राम, जानकी को इस हालत में मुझसे नहीं देखा जाता। मिश्रा तुम तो जानते हो मैं एक मामूली स्कूल मास्टर हूं, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं। तुम कुछ भी मत करो, अब मैं करूंगा। भाई जानकी भाभी पर अब हमारा भी तो अधिकार बनता है ना, है? मैं अभी आया। सुनो जी, रसोई तो खाने की चीजों से भरी पड़ी है। हाँ, और घर पहनने की चीजों से। देखो ये साड़ी मैंने अपनी दुल्हन के लिए खरीदी थी बनारस में, लेकिन क्या करें, कोई मिली नहीं जिसे पहना था। फिलहाल इसे तुम पहन लो, है? और ये जेवर भी। भाई राम, तुम कहो ना इसे, ये तो हमारा काम आनेगी नहीं। अब इतने आदर से दे रहा है तो क्या हर्ज है, पहन लो ना। भाई रामचरण, तुम सचमुच तकदीर के सिकंदर हो। मैंने तो सुना है कि अपने गांव की पहली लड़की है जानकी, जिसने कि मैट्रिक पास किया। हाँ, मैट्रिक में मैं ही पढ़ाता था इनको। अच्छा, तो टांका क्लासरूम में ही फिट हुआ था दोस्त। मुझे नहीं मालूम था कि ये साड़ी और ये गहने मुझे पूरे गांव में बदनाम कर देंगे। अशोक मिश्रा की बुरी नजर मुझ पर पड़ चुकी थी, और फिर एक दिन नीच। कुछ भी कहो रानी, एक बार इन शहद भरे होंठों को चूम ले। ये क्या कर रहा है मास्टर? दोस्त पर हाथ उठाना पाप है रामचरण, और दोस्त की पत्नी पर हाथ डालना पुण्य है नीच। दोस्त के फेस में शरीर ना नाग या कमीने नाग। अरे चलो जानकी, अब हम यहां नहीं रहेंगे, आओ। हुआ कैसे, दोनों एक साथ कैसे मर गए? अरे आत्महत्या की है दोनों ने। अरे भैया जरा टांगा रोकना। राधा काकी, किसने आत्महत्या की? अरे काकी तुम बोलते क्यों नहीं, खुद ही आके देख लेना। आ,
जान ले ली कुल्टा ने अपने माँ बाप की। पिताजी, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया। बधाई हो रामचरण, लक्ष्मी आई है। चल 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 चल। देखते ही देखते मेरी बेटी 3 साल की हो गई कि अचानक एक दिन मेरे जेठ हमारी जिंदगी में वापस आ गए और हाथ पर जोड़कर जबरदस्ती हमें अपने घर ले गए। कारण मुझे बाद में पता चला। तुम यहां हो जानकी, मुझे पता नहीं था बहू, माफ कर देना, माफ कर देना। ला मुझे दे। क्यों रामचरण, मजे में तो हो? हमने जानकी को जरा सा हाथ लगाया था तो आग लग गई थी तुम्हारे मन में, और अब वो तुम्हारा शराबी भाई जानकी की जवानी के मजे जी भर के लूट रहा है, उसका तुम्हें बुरा नहीं लगता? राम, राम, राम,